बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें ये बहुत अच्छा फेयरवेल दिया, और हमारे स्टाफ का, टीचर्स का, जिसने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, सिखाया, समझाया, डांटा, धमकाया और हमें झेला भी, हमारी मस्तियाँ भी सही, इसलिए थैंक यू वेरी मच। और अब हम बात करते हैं हमारे स्कूल जर्नी की, तो ये हमारा सबसे बेस्ट स्कूल है। ये स्कूल किसी स्कूल की तरह बड़ा स्कूल तो नहीं है, लेकिन बेस्ट स्कूल है। इसमें जो हमने सीखा और देखा ना, वो आई थिंक हम किसी और स्कूल में नहीं देखते। ये हमारा बहुत अच्छा स्कूल है, हमने बहुत अच्छा यहाँ पे पढ़ा है। तो हम कभी इसी छोटे से स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है अपने टीचर से, लेकिन सरफीज से, जिन्होंने हमें एक एक कॉन्सेप्ट समझाया, सर जाहिद से, जिन्होंने बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाई हमें, देखिए हमारे हमारे सर ओनर शंसा है, हमारे सुनो है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। वो हम सुनते हैं ना हमेशा कि हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं, हमारे जो ओनर होते हैं, वो बहुत क्या कहते हैं, क्या सख्त मिजाज के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे प्रिंसिपल हमारे ओनर बहुत फ्रेंडली है शुरू से लेके अभी तक। अगर हम देखा जाए तो अगर हम अभी कॉलेज में है, अगर हम एक बात और बात मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी सामने की टीचर है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपकी कौन प्रेजेंटेशन देगा, मतलब उनकी वीडियो रहेगी और प्रिंसिपल के पास जाएगी। तो मैंने कहा मैम मैं बता रही हूँ, मैम मैडम ने मैंने दिया प्रेजेंटेशन, उन्होंने वीडियो भी भरी, तो उन्होंने सबसे पहले आपके ये सवाल किया कौन सी स्कूल से। तो मैंने कहा अलहमदुल्ला मैं नाती कॉफी दूर से हूँ, जो जरा भी कानूनी है। तो मैंने कहा कि आपकी वीडियो कॉफी काफी कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट, बहुत अच्छी है, जबरदस्त। तो भाई जैसे कि कॉन्फिडेंस लेवल हमें स्कूल से ही मिलता है, हमें अपनी दूसरे से ही मिलता है, तो मैंने भी यही कहा कि हमें नारी कॉफी स्कूल से ही मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया और लिखाया है। और तो और बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो आप सबके साथ थे, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच हमें पढ़ाने के लिए, हमें जिंदगी का बहुत अच्छा सबक देने के लिए, ना ही किताबी बातें और सिर्फ जिंदगी का भी सबक देने के लिए, थैंक यू सो मच। और